दामोदर दास मोदी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के। नई मोदी सरकार के नए मंत्रियों के विभागों का ऐलान किया गया। जैसे कि पहले से माना जा रहा था कि मोदी सरकार 2 में शामिल नए और दिग्गज चेहरे अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, हुआ भी वैसा ही। पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद और गुजरात में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा चुके अमित शाह को देश का नया गृह मंत्री बनाया गया है। वही पिछली मोदी सरकार में गृह मंत्री की भूमिका में रहे राजनाथ को रक्षा मंत्री के तौर पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। नितिन गडकरी को पहले की ही तरह सड़क परिवहन, जबकि अरुण जेटली के सरकार में शामिल न होने की स्थिति में रक्षा मंत्री रही निर्मला सीतारमण को इस बार वित्त मंत्री बनाया गया है। नई मोदी सरकार के पूर्व विदेश सचिव रहे एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है, उन्हें सरप्राइज मंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाना भी किसी सरप्राइज से कम नहीं है। एस जयशंकर को अमेरिका, चीन और रूस तीनों महत्वपूर्ण देशों में काम करने का लंबा अनुभव है। उनके शपथ के साथ ही तय माना जा रहा था कि उन्हें विदेश मंत्रालय दिया जा सकता है। मोदी सरकार 1 में विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा था। नितिन गडकरी को पहले वाला ही मंत्रालय मिला है, उनके पास सड़क परिवहन मंत्रालय का जिम्मा रहेगा। खास बात यह है कि एनडीए के सहयोगी दलों को पिछली बार मिले मंत्रालयों को इस बार भी बरकरार रखा गया है। एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान को इस बार भी उपभोक्ता खाद्य मंत्री बनाया गया है। शिरोमणि अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल को खाद्य प्रसंस्करण, आरपीआई के रामदास अठावले को सामाजिक न्याय और आधारिकता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं शिवसेना के कोटे से आने वाले मंत्री अरविंद सावंत को भारी उद्योग मंत्रालय दिया गया है। नई मोदी सरकार क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ नई पारी की शुरुआत कर चुकी है। अब आगे देखना होगा कि पीएम मोदी नए बदलावों को लेकर क्या नए फैसले लेते हैं।